स्वागत है आपका, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सोचिए, देश की सियासत में आज बहुत हैरान करने वाला एपिसोड देखने को मिला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया और दिल्ली के सीएम कहने लगे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया क्या है, जबकि खबर यह है कि आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अब पूरी ताकत गुजरात में लगा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी साथ मिला रहे हैं। मनीष सिसोदिया किसी भी वक्त अरेस्ट कर लिए जाएंगे, ये माहौल आम आदमी पार्टी ही दिन भर बनाती है। क्या यह सब केजरीवाल की पार्टी का सोचा समझा स्क्रिप्टेड स्टंट है और ऐसा कहने और करने से पब्लिक के बीच कुछ करंट बन रहा है? जो दिल्ली में हो रहा है उसका कितना असर गुजरात के चुनाव पर पड़ रहा है? चप्पे चप्पे पर इंडिया टीवी के रिपोर्टर तैयार हैं। नेताओं की बयानबाजी से आगे जमीन पर क्या सीन है, यह जमीनी हकीकत वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 100% बीजेपी आने वाले गुजरात में, भाजपा की और भाजपा की नहीं आ सकती आम आदमी पार्टी। मोदी को वोट दीजिए। मोदी 100% मोदी जी आने वाले, मोदी जी आएगा। मोदी देख रहे हैं ना, अच्छे दिन आ गए। मोदी 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 ही सब कुछ है। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। गुजरात में केजरीवाल की नहीं मोदी की लहर है। कांग्रेस ज्यादा दिख नहीं रही है, मोदी तो चुनाव से पहले ही विनर दिख रहे हैं। गुजरात का वोटर किसी भी उम्र का हो, सबके लिए वोट का सबसे बड़ा फैक्टर मोदी ही है। केजरीवाल सब फेक है, केजरीवाल एक नंबर का झूठा है, झूठा है। केजरीवाल कुछ नहीं हुआ, एक नंबर का झूठा। केजरीवाल की एक सीट नहीं आएगी। अगर कोई मोदी जिंदाबाद, वो भीड़ वहाँ से लेकर आते हैं पैसे देकर, असली गुजराती वो मोदी को ही वोट देगा। कोई नेता ही नहीं है कांग्रेस के पास। कभी मैं कभी देखता ही नहीं किसी को, सिर्फ बीजेपी। अगर पब्लिक का रिएक्शन गुजरात इलेक्शन का सेंटीमेंट है तो फिर तय मानिए मोदी कहीं नहीं जा रहे। गुजरात में मोदी ही बीजेपी को वापस ला रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो नेशनल मूवमेंट जो चलाया था, उसकी सफलता इसीलिए थी क्योंकि वो जन आंदोलन था। कि आज जो है नरेंद्र मोदी ने राजनीति को एक किस्म से जन आंदोलन बनाया, खाली राजनीति को नहीं, देश का परिवर्तन जो है उसको उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया। आपको लगेगा कि इस प्रधानमंत्री में और जो उनके पहले जो भी थे, फर्क क्या है उनके बीच में और दुनिया में आज जो बाकी लीडर्स जो हैं उनके बीच में फर्क क्या है, कि ये जो हैं ये पब्लिक को, अपने लोगों को, अपने पूरे देश को साथ ले चल पा रहे हैं इस परिवर्तन के यात्रा पे। इस बीच विरोधी क्या कर रहे हैं? केजरीवाल के वॉरियर्स मोदी को धमका रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर लगे करप्शन वाले आरोप पर इलेक्शन वाला बाम लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया खुद को विक्टिम बता रहे हैं। केजरीवाल ने तो अभी से गुजरात के संभावित नतीजे डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं। अभी तक तो पब्लिक की नजरों में मोदी ही विनर हैं, लेकिन केजरीवाल मोदी का कॉम्पिटिटर बनने की ख्वाहिश लिए बैठे हैं। पूरी डिटेल आगे देंगे। एक दूसरा प्लेयर भी है जो इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने के बहाने वोट बटोरने वाली यात्रा पर निकला है, यानी राहुल गांधी। कांग्रेस मोदी का छोटा, राहुल को बड़ा नेता प्रोजेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया पर सिंहासन खाली करो वाला नैरेटिव चला रही है। मत चुनना कमल का फूल वाला संदेश भेज रही है। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस वाला टेक्स्ट सोशल मीडिया पर घुमा रही है। गुजरात कांग्रेस जमीन पर उतनी अग्रेसिव नहीं दिख रही है। हां, ट्विटर पर कांग्रेस की सरकार
जरूर बना रही है। राहुल ही गुजरात दिलाएंगे, हिमाचल जिताएंगे, मोदी को हराएंगे, जैसे टेक्स्ट घुमाए जा रहे हैं। राहुल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राहुल में अंगार है, राहुल तो सुल्तान है। फुल इफेक्ट के साथ प्रमोशनल वीडियो बन रहे हैं, मोबाइल मोबाइल पहुंच रहे हैं। बॉडी दिखाना, कैमरे पर पुशअप मारना, भारत जोड़ो यात्रा की बदौलत फुल ऑन सियासी माहौल बनाने। मोदी के विरोधियों की हालत तो ये हो गई है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग के लिए राहुल लाइन में लगे, उसे भी ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया जाता है। राहुल चप्पल पहनकर वोट डाले, सोशल मीडिया की दुनिया में वो भी ट्रेंड करने लगता है। यानी चप्पल से लेकर सनस्क्रीन तक हर चीज को कुछ ध्यान में रखकर अलग अलग जगहों पर फिट किया जा रहा है। इरादा शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी। निश्चित सनस्क्रीन आर यू यूजिंग? नो सनस्क्रीन, नो सनस्क्रीन, आई एम नॉट यूजिंग एनी सनस्क्रीन। नहीं, टैनिंग हुई है, टैनिंग टैनिंग हुई है। मेरा बेटा भी कह रहा था सर। नहीं, मैंने वो घोड़ा खाल में पड़ता है, माँ ने भेजी है, बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। एक लाइन में कहें तो केजरीवाल हो या राहुल, दोनों के दोनों इस वक्त परसेप्शन और प्रोजेक्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। एजेंडा एक ही है, बस किसी तरह रेस में आना। हम ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं, मगर हमारे लिए यात्रा को छोड़कर, मतलब सड़क पे चलने और डायरेक्ट जनता से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं, रास्ता ही नहीं। ये सोचते हैं कि एक बार हमने कैप्चर कर दिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाएगा। ये गलत फहमी में है, ये हिंदुस्तान चुप नहीं होने वाला, ये लड़ जाएगा। इस वक्त देश में चल रहे त्रिकोणीय सियासी मुकाबले का सबसे हॉट लोकेशन है गुजरात, लेकिन ये लड़ाई तीन अलग अलग लोकेशन से लड़ी जा रही है। नंबर वन दिल्ली, नंबर टू गुजरात और नंबर थ्री कर्नाटक का बेल्लारी। मोदी को गुजरात का किला एक बार फिर फतह करना है। मोदी के लिए दौरे की डेट फिक्स हो गई है। प्रधानमंत्री 19 और 20 अक्टूबर को एक बार फिर गुजरात के राउंड पर निकलेंगे। दूसरी तरफ मोदी और मोदी की जीत की राह में रोड ब्लॉकर की तरह खड़ी है आम आदमी पार्टी और उसके नेता। जबकि गुजरात से करीब 1500 किलोमीटर दूर कर्नाटक में रहकर भी राहुल गुजरात का एक एक अपडेट ले रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सियासी स्टंट की बात करते हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए क्या बुलाया? सुबह से ही सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। स्क्रिप्ट वही थी, बस करेक्टर नए थे, लोकेशन दूसरी थी। जिस तरह संजय राउत ने गिरफ्तारी से पहले पूजा पाठ टीका और आशीर्वाद वाला इमोशनल स्टंट किया था, मनीष सिसोदिया ने भी सेम टू सेम वही स्क्रिप्ट कॉपी कर ली। जिस तरह राहुल पूरे तामझाम के साथ, गाजे बाजे के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे थे, मनीष सिसोदिया का भी स्क्रीन प्ले पूछताछ से पहले सेम टू सेम वही था। वैसे ही रोड शो, वैसे ही कार्यकर्ताओं का हुजूम, वैसे ही कैमरा वाला पॉलिटिकल स्टंट। सुबह से हमने देखा कि पहले माता जी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय रावत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे। और तो और, सत्येंद्र जैन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया, हर व्यक्ति आज जेल में है। और आज आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया भी यही कर रहे हैं। हम इसे स्टंट क्यों कह रहे हैं?
इसे मनीष सिसोदिया के ट्वीट से समझिए। उन्होंने लिखा था कि वो सीबीआई मुख्यालय भी जाएंगे, पूरा सहयोग भी करेंगे। अब कथनी और करनी में फर्क देखिए। घर से निकलते ही मैं पूछताछ में सीबीआई को पूरा सहयोग करूंगा वाली बात और सीबीआई दफ्तर पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं का हेट मोदी वाला प्रदर्शन। मोदी सा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गद्दी अपनी छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, मोदी सा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गद्दी अपनी छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ। अरे तुम है कितना तमन में तेरे, अरे हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब इसे दोहरा मापदंड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, वही पार्टी आज भ्रष्टाचार के आरोपों का जश्न मनाती दिख रही है। और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया खुद को भगत सिंह बता रहे हैं। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। आजादी के लिए 30-30 साल के लड़कों ने कुर्बानी दी थी, देश आज फिर कुर्बानी मांग रहा है, देश आज फिर ऐसा सीना मांग रहा है जो जेल जाने से ना डरे, और हमें गर्व है कि हमको जेल जाने से नहीं डर सकता। इसलिए आज इनकी तैयारी है कि मुझे जेल में डाल दें। मैं इनकी जेल में डालने से नहीं डरता, इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि देश कुर्बानी मांग रहा है और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें आज मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, इसका अफसोस मत करना। अगर मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें देश के लिए कुर्बानी देने का अवसर आया है, हम कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखिए पूरा माहौल कैसे बना। सुबह तक बात सिर्फ सीबीआई की पूछताछ की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी चालाकी से जेल वाला टेक्स्ट फिट कर दिया गया। मनीष सिसोदिया सड़क पर माहौल बना रहे थे, आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी ट्विटर पर बिजी थी, और सारे बड़े नेता एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। पहले सौरभ भारद्वाज आए, फिर आतिशी आई, फिर दिलीप पांडे आए। जो जो कैमरे पर आया, सबके सब ने वही एक बात दोहराई, जेल वाली कहानी सुनाई। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी के जान के पीछे पड़े हुए, इसको समझिएगा। हासिल ये करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया जी गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार करने ना पहुंच जाएं। आज मनीष सिसोदिया जी सीबीआई हेडक्वार्टर गए, जश्न मनाते हुए गए। आज मनीष सिसोदिया जी भगत सिंह का बसंती रंग पहन के गए, और आज दिल्ली के सारे लोग उनके समर्थन में उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़े। आज सरकार में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां चुनाव होता है वहां पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स एक्टिव हो जाते हैं, तमाम नेताओं को जेल में डाला जाता है। यह सब उस वक्त हो रहा था जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की कोई खबर तक नहीं थी, मगर केजरीवाल जेल वाला खेल शुरू कर चुके थे। केजरीवाल ने सोमवार को सिसोदिया पर जितने भी ट्वीट्स किए, कमोवेश हर ट्वीट में जेल और गुजरात का जिक्र जरूर था। ऐसा लग रहा था मानो आज केजरीवाल की फेवरेट लाइन ही यही थी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। एक तरफ सोशल मीडिया पर जेल और गुजरात में होकर रहेगा बीजेपी का खेल वाला टेक्स्ट मोबाइल मोबाइल पहुंच रहा था, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने भी खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाला और मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ को फुल ऑन सियासी रंग देकर कितने बड़े लेवल पर किया गया। हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, सुना है किस किसने सुना है मनीष सिसोदिया का नाम? अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे,
उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। एक महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला, ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। आपको मनीष सिसोदिया वाले पूरे सियासी स्टंट का मतलब समझना है तो आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर चलें। बहुत सोच समझकर ये पूरी पटकथा लिखी गई है और स्क्रिप्ट के सेंटर में गुजरात वाली बात फिट कर दी गई है। हास्यास्पद बात यह है कि वोटर्स को रिझाने के लिए केजरीवाल जब गुजरात पहुंचते हैं तो भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े दावे करते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये कर दिया वो कर दिया कहते हैं, मगर जब बात सिसोदिया पर लगे करप्शन के आरोपों की आती है, सीबीआई जब पूछताछ के लिए बुलाती है, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया भ्रष्टाचार खत्म करो वाला फॉर्मूला मानने से इंकार कर देते हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी। अभी अभी भगवंत मान साहब ने पंजाब में अपने हेल्थ मिनिस्टर को जेल भेजा है। कभी सुना था अपने मिनिस्टर को जेल भेजते हो? कट्टर ईमानदार पार्टी है, अपने को भी नहीं बख्शेंगे। हमारा बेटा भी अगर गलत काम करेगा, हमारा भाई भी गलत काम करेगा, छोड़ेंगे नहीं उसे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। गुजरात में 15 दिसंबर के बाद रिश्वत खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। जो पैसे मांगेगा, कोई हिम्मत करेगा पैसे मांगने की, वो जेल जाएगा। सियासी स्टंट का एक और सैंपल देखिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का मोदी को गाली देने वाला, मोदी की मां को गाली देने वाला वीडियो वायरल होता है तो केजरीवाल का कैंप उस पर एक्शन नहीं लेता, उल्टे केजरीवाल की पूरी आर्मी एक गालीबाज नेता को डिफेंड करने के लिए मैदान में कूद पड़ती है। मगर जब केजरीवाल गुजरात पहुंचते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलते हुए किसने कौन सी बात कही ये गिनाने लगते हैं, वही पंजाब की चुनावी रैली वाला पुराना टेप बजाने लगते हैं। दोनों एक साथ एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। रात को 12 बजे मिलते हैं कि कल ये गाली देनी है, दोनों मिलके एक ही जैसी गाली देते हैं। एक कहता है केजरीवाल ठग है, दूसरा कहता है केजरीवाल महाठग है, एक कहता है केजरीवाल खालिस्तानी है, दूसरा कहता है केजरीवाल आतंकवादी है। खूब गालियां दे रहे हैं। गुजरात में जाकर ढोल बजाकर वोटर्स को ये बताना कि सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष हैं, हम तो पाक साफ हैं, ये चुनावी हथकंडा तो हो सकता है, नतीजे की गारंटी नहीं। जनता सब जानती है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या फैला रहा है। 10-15 लड़के मेरे को देख के चिल्लाने लग गए, मोदी मोदी मोदी। मैं उनको कहना चाहता हूं, बेटा जिसका नारा लगाना है लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको मना नहीं करूंगा। मैंने उन लड़कों को बुलाया, मैंने कहा 27 साल हो गए, इन्होंने क्या दिया तुमको, क्यों नारे लगा रहे हो? कहते हैं जिन्होंने पैसे दिए थे नारे इसलिए लगा रहे हैं, वोट तो आपको ही देंगे। लाख कोशिशें करके भी मोदी को लेकर केजरीवाल गुजरातियों के दिल और दिमाग को हाईजैक तो नहीं कर सकते, थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, फ्री फ्री बोल कर रिझा भी सकते हैं, लेकिन ये बात उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि चाहकर भी वो गुजरात के दिल से मोदी को हटा नहीं सकते। इस वक्त हम राजकोट के धर्मेंद्र रोड पर हैं, दिवाली की खरीदारी शुरू हो चुकी है और गुजरात में चुनाव का बिगुल होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को राजकोट पहुंच रहे हैं, जरा लोगों से बात कर लेते हैं कि गुजरात का चुनावी माहौल क्या है। सर शुरुआत आपसे ही,
गुजरात की चुनावी तस्वीर क्या नजर आ रही है? अभी तो बहुत बढ़िया है, चुनाव का माहौल तो भूल गए हैं, अभी तो खरीदी में लगे हैं सब। अच्छा, खरीदी में लगे हैं, लेकिन चुनाव में आगे देखा जाएगा। तो क्या देखेंगे? एक सरकार है जो लगातार दो दशक से ज्यादा से चल रही है, चुनाव आ गए हैं, कुछ नए उम्मीदवार हैं, किसका दम लग रहा है आपको? तब दिखाएंगे। बीजेपी का पूरा दम लग रहा है, 100% बीजेपी आने वाले गुजरात में। बार तो आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में कूदी हुई है, मगर नहीं आ सकती आम आदमी पार्टी। जो काम जो मोदी सर ने करके दिखा वो काम अभी आम आदमी पार्टी भी करना मुश्किल है। उसके पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आम आदमी काम करेगी या नहीं करेगी। खिलने वाला तो फूल ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मोदी जी आने वाले। ऑफकोर्स मोदी जी अगर आने वाले तो मुकाबला किसके साथ है? कांग्रेस तो ग्राउंड पे है ही नहीं, थोड़ा बहुत आजमा लेती है ये आम आदमी पार्टी, और तो कुछ ही नहीं पा सकता है। अब किसका मुकाबला नजर आ रहा है आपकी चाय लेने? मोदी। कोई विकल्प नहीं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आएगा मोदी? आएगा, मोदी आएगा। हाँ, मोदी आएगा। तो कह रहे हैं चाय के बगैर तो मोदी, गुजरात में मोदी है, क्योंकि हर कोई मोदी कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट कोई ऑप्शन नहीं, उसने जितना स्ट्रांग कैंडिडेट दूसरा सामने होना चाहिए तो कोई मोदी ना बोले ना। आउट ऑफ कंट्री के लिए जितनी इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया है, नहीं किया है। तो गुजरात का गौरव, भारत का गौरव मोदी, इसीलिए मोदी। यस, मोदी है, देख रहे हैं ना, अच्छे दिन आ गए। मैम, आपको लग रहा है कि मोदी है या कोई और विकल्प है आपकी बात? मोदी। देखते हैं अभी क्या होगा, अभी देखते हैं। मोदी। इतना विकास किया इंडिया, कितना इकोनॉमी में 5वें नंबर पे है इंडिया अभी, ज्यादा है। कह रहे विकास किया है, मोदी का नाम ले रहे हैं। बीजेपी ने जो काम किया है वो आप नहीं कर सकता। तो आपके जुबान पर आप आया तो क्या समझा जाए आपकी बार मुकाबले में आप है, कांग्रेस गायब है? कांग्रेस तो गायब ही है, बीजेपी ही आएगा। विधानसभा के चुनाव में मोदी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है, लोकल नेता या विधायक की भी कोई बात है? अभी तो मोदी को ही देख रहे हैं सब, मोदी को ही देख रहे हैं सब, इसलिए वोट पड़ रहे मोदी के नाम से। मोदी पे ही। चार रीजन गिनाओ। पहला तो विकास किया हुआ है, दूसरा इकोनॉमी में हमारा 5वां नंबर आया हुआ है, और अभी देखो छोटे से बड़े आदमी का सभी का, मेरी लड़की RTC में पढ़ रही है, 1 से 8 वो भी फ्री में, और क्या रीजन चाहिए? और देश को इतना आगे बढ़ाया। शिक्षा की कह रहे हैं, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि स्कूल बेकार है, सब फेक है, केजरीवाल सब फेक है, केजरीवाल एक नंबर का झूठा है, झूठा है। केजरीवाल कुछ नहीं हुआ तो कह रहे, मेरी तो रैली में बहुत भीड़ आ रही है, जनता साथ है, एक नंबर का झूठा, केजरीवाल की एक सीट नहीं आएगी। आज नरेंद्र मोदी के विरोधी दिल्ली में दो लड़ाई लड़ रहे थे। एक पार्टी अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल जाने से बचाने के लिए सड़क पर थी, दूसरी पार्टी नया अध्यक्ष बनाने के लिए वोटिंग कर रही थी। तब नरेंद्र मोदी 2.5 घंटे तक एक नया काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री 8 करोड़ लोगों को पैसा भेज रहे थे। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री ने आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटे। मोदी ने पैसे ही नहीं दिए, दिवाली बोनस भी दिया। ये बोनस किसानों के नाम पर है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक देश के किसान ही है। प्रधानमंत्री का नंबर 1 प्लान क्या है, इसका नाम क्या है, और इससे कैसे पूरा गेम प्लान बदल गया, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। बारह सेकंड में मोदी ने 12वीं किस्त भेज दी। प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और 12 सेकंड के अंदर 8,15,935 किसानों के खाते में 16,03,18,70,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। बधाई हमारे करोड़ों किसानों को। नरेंद्र मोदी और किसानों के बीच ना कोई बिचौलिया आया, न कट मनी कंपनी आई, पैसा दिल्ली से चला और डायरेक्ट किसान भाइयों के अकाउंट में पहुंच गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ पैसा देने के लिए दिल्ली में 50,000 से ज्यादा किसानों को नहीं बुलाया। यूरिया हो, DAP हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर। किसानों के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बातें बताई, कुछ नए आइडियाज इंट्रोड्यूस किए। भविष्य नए सिरे से लिख रही है। लिक्विड नैनो यूरिया,
वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, किसान रेल, किसान उड़ान, ई नैम फसल मंडी, मिशन ऑयल पाम। नरेंद्र मोदी की इन योजनाओं में किसानों के लिए क्या है और इससे मोदी का वोट बैंक कितना बढ़ता है, यह हम एक एक करके बताते हैं। मगर उससे पहले प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों से क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। यूरिया हो, डीएपी हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर, ये आज दुनिया के बाजारों में दिन रात इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है जो हमारे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम विदेशों से 75-80 रुपये किलो के हिसाब से यूरिया खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान पर बोझ न पड़े, हमारे किसान उन पर कोई नया संकट न आए, जो 70-80 रुपये में हमारा यूरिया हम आज बाहर से लाते हैं, हम किसानों को 5 या 6 रुपये में पहुंचाते हैं भाइयों, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को कष्ट न हो। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहाँ पर, किसान इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। किसानों के बीच पैठ बनाने के लिए मोदी के विरोधी खाद की महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को राजा बताकर व्यंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी खाद और यूरिया के दाम पर पॉलिटिकल कमेंट करती है। हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। खेती की जरूरत और किसानों की मांग पूरी करने के लिए मोदी सरकार 3500 रुपए प्रति बोरी के रेट पर यूरिया इंपोर्ट करती है। वही यूरिया किसानों को 300 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से दिया जाता है। इस तरह यूरिया खाद की हर बोरी पर 3200 रुपए की सब्सिडी मोदी सरकार दे रही है। स्वागत करें। किसानों के खाते में 12 किश्तों में 2,00,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर तो दुनिया ने देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी इससे ज्यादा पैसा किसानों को खाद के लिए देते हैं। 2,00,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि और 2,50,000 करोड़ रुपए की सालाना खाद सब्सिडी। किसानों को कम कीमत में खाद मिले, इसके लिए इस वर्ष अब इसके कारण सरकारें खजाने पर बोझ आता है, कई कामों को करने में रुकावटें खड़ी हो जाती है। इस वर्ष लगभग 2,50,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है। ये किसान समृद्धि केंद्र किसानों के यूपी का बांदा हो या हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, देश भर में किसानों को करीब करीब एक रेट पर यूरिया मिलता है। भारत रासायनिक खाद का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन हम खाद के दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। भारत को जितना यूरिया चाहिए उतना अपने देश में नहीं बनता, इसलिए हमें दूसरे देशों से खाद मंगानी पड़ती है। इस साल दिसंबर तक 275,00,000 टन यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें से करीब 60,00,000 टन यूरिया आयात किया गया है। किसानों को कम कीमत में खाद मिले। गोरखपुर और सिंदरी जैसे 6 खाद कारखाने जो बंद पड़े थे उसको नरेंद्र मोदी ने चालू करवाया है। इसी का नतीजा है पिछले 8 साल से खाद का आयात लगातार घट रहा है। 2020-21 में भारत ने 98,00,000 टन यूरिया इम्पोर्ट किया। 2021-22 में हमने 77,00,000 टन यूरिया विदेशों से मंगवाया। 2022-23 में हम करीब 60,00,000 टन यूरिया मंगवा रहे हैं। इंपोर्ट घटा है, फिर भी इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जहां से माल खरीदते हैं वहां युद्ध छिड़ गया है। यूक्रेन में बम गोले चलने लगे तो हमारी जेब पर असर पड़ने लगा। भारत अपनी खाद की जरूरत का करीब 40% हिस्सा रूस और बेलारूस से खरीदता है। युद्ध शुरू हुआ तो भारत का फर्टिलाइजर इंपोर्ट फंस गया। इसके साथ साथ खाद की इंटरनेशनल कीमतें भी बढ़ गईं। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूरिया का इंटरनेशनल रेट $744 प्रति टन था।
युद्ध शुरू होने के बाद इसके रेट $925 प्रति टन तक पहुंच गए। यूक्रेन युद्ध से पहले डीएपी खाद का इंटरनेशनल रेट $700 प्रति टन था, युद्ध शुरू होते ही $954 प्रति टन तक पहुंच गया। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, हम मुश्किलें झेलते झेलते दिन निकाल रहे थे, रास्ते खोज रहे थे। अभी कोरोना तो पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई छिड़ गई, और ये ऐसी जगह जहां हम बहुत सी बातें वहां से खरीदते थे, जहां से ज्यादा हमारे पास जरूरतें थी, वही देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। उन ऐसे ही देशों पर इन लड़ाई का प्रभाव भी ज्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री ने प्रॉब्लम तो बता दी, क्या कोई सॉल्यूशन भी बताया? हाँ, बताया। नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि दो दो सॉल्यूशन बताए, एक लिक्विड नैनो यूरिया और दूसरा वन नेशन वन फर्टिलाइजर। खाद का इंपोर्ट बिल कम करने के लिए मोदी ने लिक्विड नैनो यूरिया इंट्रोड्यूस किया है। फैक्ट्री भी इंडिया की, प्रोडक्शन भी इंडिया का और कंजम्पशन भी इंडिया का। ये छोटी सी बोतल देख रहे हैं आप, इस एक बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो फसलों को सामान्य यूरिया के एक कट्टे के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व देता है। लिक्विड नैनो यूरिया को पानी में मिलाकर जब पत्तियों पर इसका छिड़काव किया जाता है तो ये पत्तियों पर बने छोटे छोटे छेदों से पौधों में प्रवेश कर जाता है और पौधे की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज करता रहता है। लाने ले जाने में आसान, यूज करने में आसान, जेब के लिए सस्ता और फसलों के लिए अच्छा। 11,000 जगहों पर 90 से अधिक फसलों पर परीक्षण के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे किसानों को दिया है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है वो काम हम नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, और इसके कारण किसानों को ये यूरिया के बोरे लाना ले जाना, उसकी मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और घर में भी जाकर के रखने के लिए जगह, ये सब मुसीबतों से मुक्ति। अब आप आए बाजार में, 10 चीजें ले रहे हैं, एक बोतल जेब में डाल दिया, अपना काम हो गया। एक साल के अंदर अंदर भारत में 20 लाख मीट्रिक टन यूरिया के बराबर लिक्विड नैनो यूरिया का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इससे इंपोर्ट बिल घटेगा, देश को फायदा होगा। मोदी ने किसानों को फर्टिलाइजर की दूसरी स्कीम क्या समझाई उसके बारे में भी जान लीजिए। अब से पूरे हिंदुस्तान में एक ही ब्रांड की खाद बिकेगी, जिसका ब्रांड नेम होगा भारत। कंपनी चाहे कोई भी हो, उसे एक रेट पर ही खाद बेचनी होगी, जो रेट सरकार तय करेगी। प्रधानमंत्री के आदेश पर खाद की पुरानी सारी बोरियां हटा दी गई हैं। खाद की बोरियों पर नया लोगो और नाम डाल दिया गया है। खाद की हर बोरी पर अब प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा है। खाद की हर बोरी के साथ प्रधानमंत्री किसानों के घर घर पहुंचेंगे। जहां कंपनियों का नाम लिखा होता था, वहां मोदी सरकार की योजना का नाम लिखा होगा।
क्योंकि खाद पर सब्सिडी कोई कंपनी नहीं देगी, सब्सिडी सीधे सरकार देती है, जनता के टैक्स के पैसे से देती है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। मोदी और किसानों के रिश्ते पर सबसे ज्यादा कहानियां बनाई गई। किसान आंदोलन की आड़ में प्रधानमंत्री को किसान विरोधी बताया गया। ये फेक नैरेटिव भाषण से नहीं टूटता, ये राशन से खत्म होता है। इस एक ही परिश्रम में किसानों के खाते में पैसे डालने की स्कीम नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव से पहले स्टार्ट की। अधिक समृद्ध बनाने हर चार महीने में मोदी किसानों को 2,000 रुपए भेजते हैं। अब तक किसानों के खाते में 2,00,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने जब किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजना शुरू किया था तब उनके सियासी दुश्मनों ने कहा था ये चुनावी स्कीम है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, मोदी किसानों के वोट खरीद रहे हैं। ये भी कहा गया कि मोदी दूसरी किश्त नहीं दे पाएंगे। लिबरल इकोनॉमिस्ट कहलाने वाले कुछ लोगों ने इसे सरकारी खजाने पर बोझ बताया। 4.25 साल हो गए, मोदी ने आज 12वीं किस्त भेजी। अब तक किसानों को लगातार 48 महीने की किसान सम्मान निधि मिल चुकी है। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपए आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले ही पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी के सियासी विरोधियों की सुई अब भी एमएसपी पर अटकी है। यूपी चुनाव में शिकस्त खाने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली। मोदी के साथ खड़े इन किसानों को देख लीजिए, इनका हित किसमें है, अहित कौन कर रहा है, इन किसान भाइयों से बेहतर और कोई नहीं जानता। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।